शासकीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार मान लिया है कि 2019 में एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार पर भरोसा कर लेना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। ये बात उन्होंने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में कही। अजीत पवार पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए जिद ठान दी थी, तब अचानक एक दिन तड़के जल्दबाजी में राजभवन में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। ये सरकार मुश्किल से 80 घंटों तक चली और अजीत पवार ने फिर से पाला बदल लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार पर विश्वास करना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। शिवसेना में टूट के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार। उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना में टूट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके लिए उनके काम करने का तरीका जिम्मेदार है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल पुथल के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे ही दोषी है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हार और संकट के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। उनके काम करने का तरीका शिवसेना में टूट के लिए जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे पर फडणवीस का तंज। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव जी अपने भाषणों में अक्सर कहते थे, आप मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा था, एक दिन आपकी सरकार गिर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जून के आखिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे ने जनादेश का मजाक बनाया। देवेंद्र फडणवीस ने फिर कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जनादेश का मजाक बनाया। जब हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा तो प्रत्येक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएम बीजेपी से होगा। उद्धव ठाकरे जी भी मंच पर थे और ताली बजा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।